ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 74 और 73 73 and 74 दोनों की कथा एक ही है। गाथा थोड़ी सी लंबी है तो इसलिए दो भाग में धम्मपद के अंदर है, गाथा एक ही है। ये गाथा बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी कथा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक सुदम्ब थेर नाम होते हैं, सुदम्ब स्थिविर या सुदम्ब थेर या सुदम्ब भिक्कू, सुदम्ब भिक्कू की ये कथा है। आपने पहले पांच भिक्कुओं का नाम सुना होगा जिनको पंचवर्गीय यानी पांच वर्गीय या पांच भिक्कु बोलते हैं, जो भगवान बुद्ध के साथ में तपस्या साधना कर रहे थे और जिसमें खीर खाने के बाद में वो चले जाते हैं छोड़ के बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को। उसमें एक महानाम भी नाम है। महानाम आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो बुद्ध के भाई थे। बुद्ध के भाई क्योंकि बुद्ध के जो दादा का नाम था वो था सीहनु। सीहनु का मतलब है शेर जैसी ठोड़ी वाले व्यक्ति, यानी जिनकी ठोड़ी बहुत सुंदर थी, सीहनु करके। सी माने शेर और हनु माने ठोड़ी बोलते हैं, बाद में इसे हनुमान भी कहा गया। सी हनुमान यानी कि शेर जैसी ठोड़ी वाले मान्य, ऐसा करके माना जाता जिनको। उनके दो पुत्र थे, एक अमितोदन और एक शुद्धोदन, दोनों भाई थे। तो शुद्धोदन के जो पुत्र हैं वो तो थे सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध, और जो अमितोदन के जो थे वो थे अनुरुद्ध और महानाम। तो महानाम पहले से ही तपस्या साधना कर रहे थे बुद्ध के साथ में, सीनियर थे। तो महानाम एक बार आते हैं, मच्छी का संड नगर है कोई, मच्छी का संड नगर में आते हैं और मच्छी का संड नगर में एक गृहस्थ है जिसका नाम है चित्त। तो चित्त नाम के गृहस्थ के यहाँ आते हैं, उनको वो बुलाता है। चित्त की धम्म में थोड़ी रुचि है इसलिए वो उनको धम्म देशना के लिए आमंत्रित करता है। महानाम वहां आते हैं, बड़े प्यार से धम्म देशना सिखाते हैं। धम्म देशना के बाद में वहां पे पिंडदान होता है। पहले धम्म दान होता है, धम्म दिया जाता है क्योंकि धम्म शुरू में दिया जाता है सुबह सुबह, और उसके बाद दोपहर से पहले खाना खाना होता है तो फिर पिंडदान होता है। पिंड का मतलब है खाना, पिंडी माने लड्डू होते हैं और पिंड माने खाना, पिंडदान। तो पिंडदान वहां होता है, खाना खाने के बाद में वो स्वतापन्न हो जाता है। चित्त उनकी बात सुन के, धम्म को सुन के स्वतापति हो जाता है, स्वतापन्न हो जाता है। उसका मैं मेरे का स्वभाव चला जाता है, उसे शरीर के बारे में जानकारी हो जाती है कि शरीर कैसे काम करता है, इसमें मेरा क्या है या नहीं है। जो अत है, अत अध्ययन उसे हो जाता है, अत अध्ययन हो जाता है उसे। उसकी बहुत सारी जो शंकाएं वो निकल जाती हैं और उसका धम्म में विश्वास बढ़ जाता है। तो पहली सीढ़ी पर आ जाता है, स्वतापन्न हो जाता है। फिर वो अपने आम के बागों में अम्ब वन में एक बिहार बनवाता है और बिहार बनवा के उसको भिक्कू संघ को दे देता है। भिक्कू संघ उसमें आर्य रहता है, ध्यान तपस्या करता है, बहुत बड़े तरीके से वहां चल रहा है। वहां भिक्कू संघ का जो पूरा पूरा संचालन है और जो पूरा कार्यक्रम है उसको सुदम्ब नाम के भिक्कू देखते हैं। एक बार वहां चारिका करते करते महामोगल्यायन और सारिपुत्र दोनों आ जाते हैं। दोनों ही भगवान बुद्ध के, तथागत बुद्ध के राइट और लेफ्ट हैंड है, और दोनों वहां आने के बाद में वहां रहते हैं। तो जो चित्त है, चित्त उनको अपने यहाँ धम्म के लिए आमंत्रित करता है। बिहार में जाके चित्त उनसे धम्म देशना सुनता है। धम्म देशना सुनने के बाद में वो अर्हत हो जाता है। अर्हत होने के बाद में वो सारिपुत्र को निमंत्रित करता है कि आप आए और पिंड दान के लिए, भोजन दान के लिए मेरे घर पधारें। तो वो सारिपुत्र को निवेदन करता है, महामोगल्यायन करता है और बाद में करता है सुदम्ब को। सुदम्ब को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी बिहार में रहता हूँ, ये मुझे जानता है, मेरा उपासक है, ये सब मेरा ध्यान रखता है, बिहार का इतना ध्यान रखता है, और इसने सबसे पहले मुझे कहना चाहिए था, मुझे निमंत्रित करना चाहिए था, इसने सारिपुत्र को निमंत्रित किया। इस बात से उसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वो चिढ़ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तुमने मुझे बुलाया नहीं पहले, मेरा अपमान हुआ है, ऐसा करके वो नहीं जाता और वो तुरंत ही वहां से चल देता है और भगवान बुद्ध के पास चला जाता है। उधर जो सारिपुत्र और महामोगल्यायन है वो पिंडदान स्वीकार करके और जो पुण्य बोधन है करके वहां से चले जाते हैं। वहां जाने, सावित्री जाने के बाद में जो सुदम्ब होता है वो भगवान के साथ बैठता है, बातचीत करता है, सारा हालचाल बताता है, सारी घटना बताता है, गुस्से से, ईर्ष्या से भरा हुआ है।
तब भगवान बुद्ध उसको कहते हैं सारा बात ध्यान सुनने के बाद में कि सुधम्म तुम्हारी गलती है और तुम जाओ और जो चित्त है उससे माफी मांगो, यानी उपासक से माफी मांगो। ये गाथा अपने आप में बहुत कमाल की इसलिए है क्योंकि अगर गलती भिक्कु की है तो भिक्कु को माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा बुद्ध ने इस कथा में बताया और किया। और अगर गलती उपासक की है तो उपासक माफी मांगेगा। तो यहां गलती जो सुधम्म भिक्कु हैं उनकी थी, इसलिए उनको आदेश हुआ कि जाइए जाके चित्त से उपासक से माफी मांगिए। वो वहां माफी मांगने के लिए जाता है, चित्त कहता है आप भिक्कु हैं, बड़े हैं, आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपासक क्या माफ करेगा और क्या नहीं करेगा, ज्ञान में बड़े हैं, गलती उनकी है वो जाने, उसका दंड वो भुगतेंगे, मैं माफ करके क्यों दंड का भागी बनूं। वो अपना उपासक का धर्म निभाता है। भगवान बुद्ध इस मौके पे जो गाथा कहते हैं, ये गाथा नंबर 73 और 74 है, जो बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रकार है। असंतंग भावन मिच्छे पुरेखा पुरेखारंच भिक्कुसु आवासेसु चे इसरियं पूजा परकुलेसु चे। असंतंग भावन मिच्छे, असंतन का मतलब है जो अशांत रखता हो, असंत का मतलब है जो सत को ना रखता हो, यानी कि जो सच को ना जानता हो और जो अशांति की भावना रखता हो, असंत की भावना रखता हो। संत माने या साधु भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, और संत माने शांति भी होती है और असंत माने शांति भी होती है, यानी कि जो मन में रखता है भावना कैसी अशांति की, या जो दुर्भाव की भावना रखता है। पुरेखारंच भिक्कुसु, पुरेखार का मतलब पाली में जो होता है पुरेखार, उसको अगर संस्कृत भाषा में कहेंगे तो उसका मतलब है पुरस्कार। पुरेखार, पुरेखारंच का मतलब है पुरेखार और चे, यानी कि और पुरेखार, जो अपने मन में अशांति की भावना रखता है और पुरस्कार की भावना रखता है कि उसे कुछ मिलेगा, उसे कुछ चाहिए। किससे चाहिए? जिसको वो धम्म दे रहा है, जिसको वो सिखा रहा है, जिसका वो गुरु है, जिसका वो भिक्कु है, जिसका वो साधु है। आवासेसु चे इसियरिंग, आवासेसु का मतलब है आवास, जिस आवास से वो रह रहा है, आवास में। चे माने और इसियरिंग माने होता है स्वामित्व, यानी कि इसी वर, इसी का मतलब है जो अपना मालिक खुद होता है उसको इसी वर बोलते हैं। इसियरिंग का मतलब है माल मालिक, यानी कि जहां वो रह रहा है, जिस बिहार में रह रहा है, अगर वो उस पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार, अपना मालिकाना, अपना मालिक तत्व हद जताता है। पूजा पर कुलेसु चे, और पूजा चाहता है पर कुलेसु, पर जो दूसरे कुल हैं, पराये कुल हैं, जो और लोग हैं उनसे वो अपनी पूजा चाहता है। पूजा का मतलब है मान सम्मान, यानी कि वो उसका मान सम्मान करें। तो यहां पहले उसमें वो कहते हैं कि अगर जो अपना असंत है, अशांति है, जिसके में भाव रहता है, और जो विहार का मालिकाना हक चाहता है, जो दूसरे कुलों से, जो दूसरे लोग हैं उनसे वो चाहता है कि मान सम्मान मिले, पूजा करें, और जो भिक्कू ये उम्मीद करता है कि कोई पुरस्कार मिलेगा, कुछ मिलेगा, मान मुझे मिलेगा, मानदेय मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा या कुछ सामान मिलेगा। ये इसके बाद में जो आती है गाथा नंबर 74, जो इसी के साथ में कंटिन्यूस जुड़ी हुई है। ममेव कत मय्यन्तु गिहि पब्ब जीता उभो, ममेव का मतलब है मैं ही, कत मय्यतु यानी कि मुझे, मेरा ही चले, मेरी ही बात माने। मय्यतु, मय्यति से मतलब बना है मय्यतु, यानी कि मेरी बात मानो। ममेव का मतलब है जैसा मैंने कह दिया वैसा ही बात को करो, आप मेरी बात को मानो, यानी मेरी ही चलेगी। बिहार में जो मैंने कह दिया या उपासक को मैंने कह दिया कि आपने ये करना है तो वही करना है। ममेव कत मय्यन्तु गिहि पब्ब जीता उभो, गिहि माने होता है ग्रस्त और पब्ज तो माने होता है जो पब्जित है, जो भिक्कू है, अन्य है, वो उभय माने दोनों, यानी दोनों में, ग्रस्त में हो या भिक्कू में हो, जो मैंने कह दिया वही मेरी बात मानी जाएगी, वही करना पड़ेगा, ऐसी भावना जो रखता है। ममेवा तिवसा असु किच्चा किच्चेसु किस्मिची,
ममेव तिप्सा का मतलब है मम एव अतिवसा। अतिवसा का मतलब होता है अतिवस। अतिवस का मतलब है अत्याधिक और वस माने वस में, मम माने मेरे, एव माने जैसा, मतलब जैसा मैं कहता हूं सब मेरे वस में रहें। असु माने हों। किच्चा किच्चेसु किस्मिची, ये जो किच्चा किच्चेसु है ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। किच्चा किच्चेसु का मतलब आपने सुना होगा कि कहते हैं अरे बड़ा किचकिच करता है ये, बड़ी किचकिच करती है ये, अरे यार किचकिच में मैं नहीं पढ़ने वाला, ये किचकिच होती रहती है, यहाँ भी किचकिच बंद करो। ये पुराना पाली का शब्द है जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं मुहावरे में, अरे वहां तो किचकिच हो रही है भाई हम नहीं जा रहे, क्या किचकिच फैला दिया तुमने, किचकिच बंद करो भाई। ये कितना हम किचकिच यूज करते हैं मगर कभी हमने सोचा नहीं कि ये किचकिच शब्द पाली का शब्द है जो धम्मपद के अंदर भी है, यानी धम्मपद से आया हुआ है, पुरानी भाषा में चलता है। हमारी पुरानी भाषा के हजारों शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पर कभी उन पर हम जिक्र नहीं करते, खासतौर से जो मुहावरे टाइप है वो तो बिल्कुल ही वहीं से आए हुए हैं। किचकिच का मतलब है, किच माने होता है कृत्य, और किच और किच में अगर ए लगा दें तो ए किच हो जाता है, तो किचा किच हो गया, तो किच ए किच हो गया, यानी कृत्य माने किया हुआ और ए किच माने नहीं किया हुआ, कृत्य और अकृत्य इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं। तो किच ए किच यानी कि जो किया है वो और जो नहीं किया है वो है। अक्सर आपने देखा होगा कि बूढ़ी जो औरतें घर में होती हैं कहते तो किच किच करती है, किच किच का मतलब है कि ये करो ये नहीं करो, ये कृत और ये अकृत, ये तुम्हें करना है ये तुम्हें नहीं करना है। वो औरत या आदमी पूरे दिन कुछ ना कुछ आपको उपदेश देते रहेंगे, ये करो ये नहीं करो, ये किच ये अकिच। ऐसे बूढ़े लोग, कई तो जवान भी किचकिच करते रहते हैं, दफ्तर में बॉस किचकिच करता रहता है, ये करो ये नहीं करो। बहुत सारे लोग हैं जो पावर में बैठे हुए हैं वो किचकिच करते रहते हैं, कभी ये करो कभी ये नहीं करो। तो ये किचकिच शब्द वहीं से आया है, कृत्य यानी करना है या अकृत नहीं करना है। किसमिची, किसमिची का मतलब है किन्हीं में, यानी कि वो ये करना है या ये नहीं करना है, जो भी है मेरे द्वारा ही करो, यानी मैं ही कहूंगा कि ये कहना ये करना है ये नहीं करना है। इति बालस्य संकप्पो, यानी ऐसा बालक का संकल्प होता है जो मूर्ख होता है, मूर्खों के ऐसे संकल्प होते हैं। इच्छा मानो से बढ़ती, जो इच्छा है और जो अभिमान है और ज्यादा उसका बढ़ता है, यानी कि उसके अंदर जो ईगो है घमंड है और जो उसकी डिजायर है वो और ज्यादा बढ़ती है। ऐसा भगवान बुद्ध ने सुधम्मों को बताया कि जिस तरह के ये लोग हैं भिक्कु हैं वो इस तरह की बात करते हैं। ये कहने के बाद में जो सुधम्म है उसको समझ में आ गया कि वो भिक्कु का धर्म नहीं अपना रहे हैं, वो कोई और धर्म अपना रहे हैं। वहां से सीखने के बाद वो आते हैं, माफी मांगते हैं। आपने देखा होगा कि आज के समय भी जो बहुत सारे लोग धर्म के उपदेश देते हैं और धम्म को सिखाते हैं उनमें झगड़े चल रहे हैं कि ये बिहार मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये आंगन मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, ये मेरा मठ हो गया, यहाँ मैं रहूँगा और सुनो सारा काम वही होगा जो मैं जाऊँगा, अब मैं मठाधीश हो गया, तुम्हारा नहीं चलेगा, मैं किच अकिच मैं ही करूँगा, किच किच मैं ही करूँगा और सारा काम मेरे हिसाब से चलेगा। तुम मुझे बदले में क्या लाए हो, क्या दो, तुमने तो मुझे कुछ दिया नहीं, और तुम मुझे पुरस्कार दो, तुम मुझे ये लेके आओ और मेरा ही मान सम्मान करो और किसी का करो मत और मुझे ही मानो, और तुम मेरी ही आसामी हो, तुम मेरे ही शिष्य हो और तुम मुझे ही दोगे, मेरी बात ही मानोगे, सबसे पहले तुम मुझे पूछोगे फिर किसी और से कोई बात करोगे, मैं चाहे कैसा भी करूँ, चाहे भिक्कुओं में चाहे उपासकों में, मेरी ही चलेगी। ये अगर किसी के अंदर स्वभाव आ जाता है तो ये स्वभाव और इच्छा उसका घमंड ये और ज़्यादा पड़ता है। ये किसी मूर्ख का यानी मूढ़ का या ऐसे आदमी का जो भिक्कू नहीं है, भिक्कू का लवादा उड़ा हुआ है, जो ज्ञानी नहीं है ज्ञानी का लवादा उड़ा हुआ है, ये उसका संकल्प है, ये उसकी इच्छा है, ये उसका काम है, अच्छे भिक्कू का या ज्ञानी का नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध की एक एक वाणी एक एक वचन जो धम्मपद के अंदर हैं वो आज भी उतने ही फिट हैं, आज भी उतने ही हैं, उतने ही एक एक चीज को बताते हैं जो दुनिया में चल रहा है। उस समय भी मनुष्य था तो यही स्वभाव होता था, यही चलता था, इसलिए धम्म आज भी उतना ही कारगर है, उतना ही जरूरी है जितना पहले था, बल्कि आज ज्यादा है क्योंकि धम्म लोप हो चुका है। इसलिए आप धम्म को फैलाएं, वीडियो बनाएं, वीडियो लोगों को दिखाएं, जो लिख सकें लिखें, जो बता सकें बताएं, जो धम्म की बात कर सकें, क्योंकि धम्म को बताने से ही धम्म आगे बढ़ता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए
या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.